नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तनवीर खान और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ खास हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संक्रमण की भयावह होती स्थिति के बीच पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 19,64,000 के पार हो गई है तथा 904 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 40,699 पर पहुंच गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के मामले में एकल पीठ के नोटिस 8 अगस्त तक तामिल करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस COVID-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत तैयारियों तथा आपात प्रबंधन के लिए देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890.32 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मसला उठाने की चीन की कोशिश गुरुवार को खारिज करते हुए इसे देश का आंतरिक मामला बताया और चीन से इस तरह के विफल प्रयासों से सबक लेने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के अंतिम राज्यपाल और संघ शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल को अचानक हटाना एक अजीब संयोग है।